नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों में शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रदेश में सोमवार से एफआईआर आपके द्वार सेवा की शुरुआत की गई है। बालाघाट जिले में केवल कोतवाली थाने के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 3 महीने के लिए शुरू किया गया है। छोटे मोटे मामलों के लिए अब लोगों को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ गंभीर अपराधों में ही थाना जाना होगा। इस आशय की जानकारी सोमवार को आईजी बालाघाट रेंज केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पत्रकार वार्ता में दी। मध्यप्रदेश में डायल हंड्रेड योजना का प्रारंभ 1000 वाहनों के साथ में 1 नवंबर 2015 को हुआ था। राज्य स्तर पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेवा प्रारंभ करने वाला मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य बना। कोरोना संक्रमण के चलते सबसे ज्यादा केश शिल्पी समाज परेशान है। इसी बात को लेकर सोमवार को प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें दूसरे व्यापार की तरह कटिंग सैलून की दुकानें खोलने की मांग रखी गई। इस समस्या के लिए इस कारोबार में लगे समाज के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन लेके आए कि हम लोग की केश शिल्पी, नाई समाज में केश शिल्पी जो काम कर रहे हैं सैलून दुकान का, उनकी जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से हम लोग सभी लोग दुकान बंद कर लॉकडाउन का पूर्ण पालन कर रहे हैं, लेकिन इस पालन के अंतर्गत हमारे कार्य बंद हैं और हमारे घर परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उन आर्थिक स्थितियों पर सरकार को ध्यान दिलाने के लिए हम लोग ने ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि हमको कुछ सहायता राशि प्रदान करें। और जो हमारे व्यवसाय में लगभग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी की दुकान किराए पे है, तो वो किराया माफ़ करें, बिजली बिल माफ़ करें, ऐसी हम लोग उनसे आशा रखते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से हमें आर्थिक सहायता मिले और दुकानें जैसे शहर खुली हुई है दुकानों शहर की, वैसी दुकान हमारे सैलून दुकान भी खुलनी चाहिए। अच्छा, कितने लोग लॉकडाउन से प्रभावित हुए आपके? अपने यहाँ तो पूरा जिला ही है। नहीं, फिर भी तो आकलन तो क्या होगा, पंजीयन तो करवाया होगा आपने, भी कितने लोग लॉकडाउन के चलते प्रभावित होकर जिनको काम नहीं मिल पा रहा है? पूरा 20 से 22 हजार है पूरे जिले पर। तो क्या होना चाहिए इन लोग के लिए? होना चाहिए कि इनकी आर्थिक स्थिति जो अभी कमजोर हुई है, तो उनके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से इनकी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और जो मार्केट में अभी जो लॉकडाउन के चलते जो जिला प्रशासन ने जो खुली हुई है दुकानें, उनकी उसी के साथ भी हमारी दुकानें खुलवाई जाए। गर्मी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि नन्हे पक्षी भी परेशान हैं। हर साल गर्मी के मौसम में ना जाने कितने पक्षी प्यास और हीट स्ट्रोक का शिकार होकर जान गंवा देते हैं। ऐसे ही पशु पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था नेवर गांव वके अजय परिमल और उनके परिवार द्वारा की गई है, जिसमें प्रतिदिन इनके परिसर में रखे पात्रों में विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षी अन्न और जल ग्रहण करते हैं। परिमल ने मिट्टी के पात्रों के साथ ही पक्षियों के लिए पुराने खराब हुए प्लास्टिक के अनेक डब्बों में इनके लिए अन्न और जल रखने की व्यवस्था बनाई है। कोरोना महामारी के बीच बूढ़ी के मजदूर संघ कार्यालय में सादगी तरीके से शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, वहीं बिना किसी तामझाम के परिवारजनों के बीच मांगलिक आयोजन किया गया, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। इसमें कहा गया कि अब इस तरह भी शादी करनी पड़ रही है। बरवेली थाना क्षेत्र के उड़िया मोहल्ला में छोटू मद्रासी के अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामले की पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में कर रही है। पुलिस के अनुसार हत्या का शिकार पुराना बदमाश है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मेरा छोटा भाई था दुर्गा प्रसाद शिवंशी। क्या उम्र रहेगी इसकी? 32-33 साल। अच्छा, कैसी क्या जानकारी थी? मेरे को फोन आया, मैं घर पे था नहीं, मैं बाहर था। फोन आया 11:30 बजे करीब, किसी ने मार दिया करके इसको, बाहर सोया हुआ था। तो कहाँ पर मारा? हमारे मोहल्ले में पीछे गुड्डी भाई के आंगन में सोया था बाहर। तो इसको किसी ने आके मार दिया, तो फिर सब लोग दौड़े और उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से डॉक्टर ने बोला कि इसको गोंदिया रिफर करो करके। गोंदिया ले जाते समय रास्ते में देहांत हो गया। रात्रि करीबन कल रात्रि में 11 से 11:30 बजे के बीच छोटू मद्रासी है और दुर्गा प्रसाद बरवेली का रहने वाला है। इसको इन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारपीट की है, उसको घायल कर दिया था। घायल अवस्था में उसके परिजन 108 से लेकर उसको हॉस्पिटल आए थे। यहाँ से उसको गोंदिया रेफर किया गया था। गोंदिया जाते समय बीच में उसकी मृत्यु हो गई। उसके भाई की रिपोर्ट पर से बरवेली थाने पर 302 के तहत FIR दर्ज की गई है। बालाघाट के पड़ोसी गोंदिया जिले के जिलाधिकारी ने जारी आदेश के तहत रेस्टोरेंट, जूस सेंटर, सलून, ब्यूटी पार्लर सहित बाजार को प्रारंभ कर दिया है, जिसमें टैक्सी, रिक्शा, बाल काटने के सलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, जूस सेंटर को प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं।
गोंदिया जिले के आमगांव क्षेत्र के ग्राम आसोली में 3 मकानों में आग लग जाने की वजह से मवेशियों के तबेले जलकर खाक हो गए। यह हादसा 8 मई की रात्रि में हुआ था। बताया गया है कि ग्राम आसोली के पूर्व पुलिस पाटिल धमेंदु बाबूलाल अरिनखेड़े का मकान था, जिसमें अनाज के बोरे, पशु आहार के साथ 10 तोला सोना, 1,20,000 नगद, बैलबंडी, साइकिल, कवेलू रखी हुई थी, जो जलकर खाक हो गई, जिसमें पीड़ित को 10 लाख की क्षति होने का अनुमान सामने आया है। तिरोड़ी के ग्राम हीरापुर में मदर डे मनाया गया। इस मौके पर सभी ने अपने मां का नमन करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई। इस दौरान जीवन में अपनी मां के बताए रास्ते पर चलने की बात कही गई, साथ ही मां के प्यार और आशीष के महत्व को व्यक्त किया गया। बिरसा साले टेकरी में लाखों की लागत से शासकीय प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने बाउंड्री वॉल 120 मीटर बनाई जा रही है। इसमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसमें ठेकेदार सरकारी अमले की आंख में धूल झोंक रहे हैं। इसे लेकर लोगों में नाराजगी और पूरे मामले की उचित जांच की मांग की गई है। गोंदिया शहर के गणेश नगर परिसर में एक नवजात हिरण 10 मई की सुबह घूमता हुआ नजर आया, जिससे आसपास के लोगों में उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया। वहीं हिरण को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान हिरण उछलते कूदते हुए एक दीवार से टकरा गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वारासिवनी में रविवार को बीडी कॉलोनी में पति पत्नी के आपसी विवाद में ससुर ने दामाद को चाकू से गोद दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। जानकारी के अनुसार घायल दामाद भोजू नवेरे 35 साल का ग्राम तीखामारी का निवासी है और इस ससुराल आया हुआ था। वह पत्नी को पिछले एक सप्ताह से अपने घर चलने की जिद कर रहा था। दोपहर 1:30 बजे के आसपास विवाद होने पर ससुर कल्याण गोरे ने अपने दामाद भोजू नेवारे पर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायल दामाद का उपचार शासकीय चिकित्सालय में चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।